हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे मैंगो, गुआवा, पोमेग्रेनेट और एवोकेडो में होने वाली एंथ्रेक्नोज बीमारी के बारे में। एंथ्रेक्नोज बीमारी देखिए वर्ल्ड वाइड ही एक होने वाली बहुत बड़ी फंगल डिजीज़ है। बेसिकली ये सोयल बोन फंगस कोलेटोट्राइकम की वजह से होती है। ये वाली फंगस अगर मिट्टी में प्रेजेंट होती है तो उस वजह से ये हवा और बारिश से बाकी जो खेत हैं उसमें स्प्रेड हो जाती है। तो अगर तो जो हम सीड्स लगाते हैं उसमें ये फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट हो या फिर किसी क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद खेत की मिट्टी में ये फंगस प्रेजेंट हो तो उस वजह से ये फर्दर जो इसके स्पोर्स हैं वो हवा और बारिश से स्प्रेड हो जाते हैं। तो सोयल बोन फंगस कोलेटोट्राइकम की वजह से होती है, फंगल डिजीज़ है एंथ्रेक्नोज। और इसमें क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं पत्तों के ऊपर छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और अगर एडवांस स्टेज में ये बीमारी पहुंच जाती है तो फ्रूट्स के ऊपर भी पहले छोटे छोटे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये जो काले रंग के धब्बे हैं ये बड़े होने शुरू हो जाते हैं और एक बड़े काले या ग्रे रंग के गहरे गड्ढे का रूप ले लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो उनमें नेक्रोसिस हो जाती है और प्री मैच्योर जो हैं वो फ्रूट जो हैं वो फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। तो बहुत ही ये ख़तरनाक बीमारी है, तेज़ी से स्प्रेड होती है रेनी सीजन में और हाई ह्यूमिडिटी में इसके जो स्पोर्स हैं वो हवा से और बारिश के पानी से स्प्रेड होते हैं। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। होम्योपैथिक मैनेजमेंट में देखिए हम दो मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपकी जो फसल है उसमें बीमारी जो है वो पत्तों तक ही सीमित है, मतलब अभी एडवांस स्टेज में जो डिज़ीज़ है वो नहीं पहुंची, तो आप सैलिसिलिक एसिड 30 का यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में लेनी है, वही 400 लीटर पानी में आपको 200 मिलीलीटर मेडिसिन मिक्स करनी है और टोटल इसकी आपको 4 एप्लीकेशंस करनी है। मिट्टी सूखने पे आप जो डोज है वो रिपीट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो नए लीव्स आएंगे उनमें इसके फंगस के साइंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, आपके फलों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर सैलिसिलिक एसिड देने के बाद डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है और फलों में भी नेक्रोसिस या काले रंग की सड़न हो रही है, तो फिर आप कार्बोवेज 30 आप यूज़ करेंगे। कार्बोवेज 30 की भी आपको टोटल 4 एप्लीकेशंस करनी है। और ये ध्यान रखिए कि एक बार दवाई देने के बाद जब दोबारा खेत की मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही दूसरी डोज रिपीट करें। अगर मिट्टी हफ्ते में सूख रही है तो 4 हफ्तों में 4 डोजेस दीजिए। अगर 2-3 दिन बाद खेत की मिट्टी सूख रही है तो आप 2-3 दिन बाद मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं। तो एक टाइम पे आपको एक ही मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर पत्तों में बीमारी है तो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करिए, अगर फ्रूट्स में बीमारी है तो कार्बोवेज यूज़ करिए, या फिर सैलिसिलिक एसिड देने के बाद भी अगर डिजीज़ का स्प्रेड है नहीं रुकता और वो फलों में जा रहा है तो भी आप कार्बोवेज यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।